बिजनेस में रहकर और बिजनेस में खुद काम कर बिजनेस बड़ा नहीं होता। मैं आज बात करूंगा बिजनेस ग्रोथ के बारे में। तो सभी लोग पूछते हैं कि भाई बिजनेस ग्रो कैसा करें। मैं डॉक्टर दीपक केळकर पिछले 41 साल से एज ए साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस कोच हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और एक सेमिनार लैंडमार्क फोरम भी हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी तक मैंने बिजनेस कोचिंग के बारे में कोचिंग की हुई है कि जिनका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ है, लोगों ने 10-10 गुना बिजनेसेस बढ़ाए हुए हैं। तो लोग पूछते हैं बढ़ाना कैसे। बढ़ाना तभी संभव है जब आप बिजनेस में है नहीं। यू कैनॉट ग्रो योर बिजनेस वेन यू आर इन द बिजनेस। मतलब ऐसा बोला जाता है कि भाई आप आपका बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते जब आप बिजनेस के अंदर घुसे हुए हो। आप बिजनेस के बाहर रह के आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अब बिजनेस के बाहर रहना मतलब क्या करना? बिजनेस के बाहर रहना मतलब बिजनेस के अंदर जाने का नहीं, ऑफिस में जाने का नहीं, बिजनेस प्रीमाइसेस में जाने का नहीं। फिर क्या करना? तो जो भी कामकाज बिजनेस में होते हैं वो सभी कामकाज SOPs में डालना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में डालना, स्टैंडर्ड वे से करना, उसके बारे में मैनुअल तैयार करना। और आपके पास में जितने भी लोग हैं, जितना भी स्टाफ है, जितने भी कर्मचारी है, उनको पूरा वो सिखाना, रट रट के। तो लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास में तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हम सिखाते हैं, तभी भी लोग काम नहीं करते। तो लोग काम ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग आलसी हैं, लोग काम टालते हैं, लोग अवॉइड करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आगे ढकलते हैं। आपके पास काम करने वाला आदमी आलसी बना करेगा, टालम टोल करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पगार तो टाइट है, मैं क्यों अपना मन लगा के काम करूँ, क्यों ज़्यादा का काम करूँ। वो लिपापोती करता है, कैसा भी करके 8 घंटे का टाइम पास करेगा और निकल जाएगा। 20% लोग ऐसे होते हैं, आपको मालूम है 80-20 का रूल, 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो 80% काम करते हैं, वही सच्चे लोग हैं। बाकी 80% लोग तो काम 20% ही करते हैं। तो फिर सभी लोगों से काम कैसे करके लेना, सवाल ये आता है। तो सवाल ये जब आता है तब आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने काम सौंप के दिया हुआ है, क्या उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं? नंबर एक मॉनिटरिंग है कि भाई उनको बोल दिया है काम करो और बाद में पूछा भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी काम किसको देना है और दिया हुआ है और आपने मॉनिटर नहीं किया तो वो खतरनाक चीज साबित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति को आप कुछ देते हो और उसका फीडबैक लेते नहीं है तो वो डिसास्ट्रस होती है। क्यों? क्योंकि हम भरोसे पर रहेंगे कि वो काम करेगा और उसको मालूम है कि कोई पूछने वाला है नहीं, फीडबैक लेने वाले हैं नहीं, तो वो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि लोग बेजवाबदार भी रहते हैं। तो हमको क्या करना है, बिजनेस बढ़ाना है तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बिठानी पड़ेगी, जो हम सिखाते रहते हैं कि मॉनिटर कैसे करना। मॉनिटर सिस्टम बिठा और मॉनिटर सिस्टम बिठाने के बाद में अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी बिठानी होगी। मतलब उसको अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ेगी। हाँ मॉनिटर तो किया, मालूम तो पड़ा कि गलती की है, फिर उसको सजा क्या है? अच्छा काम किया है तो उसको रिवार्ड क्या है? तो वो भी करना होगा। तो जब तक आपके बिजनेस में ये इश्यूज है कि लोग काम नहीं कर रहे, लोग एज ए टीम काम करते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं, लोग टालम टोल करते हैं, इसका कारण ये है कि उनको मालूम ही नहीं कि अपना काम क्या है, उनको मालूम ही नहीं कि एक पूरा काम करके जाना है, उनको ये मालूम है कि मेरे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, उनको ये मालूम है कि मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करना ही नहीं है, टाइम पास करना है। तो यदि आप उनको मॉनिटर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी है, रिजल्ट्स उनके जो है वो मॉनिटर होते हैं, उनको एक तो सजा मिलती है या रिवार्ड मिलता है, अनुदान भी मिलता है, बख्शीश मिलती है, बोनस मिलता है, तो डेफिनेटली लो ईगो के लिए और पैसे के लिए दोनों के लिए काम करते हैं। टीम से काम कैसे करना, इसके लिए हमारे बिजनेस कोचिंग चालू रहते हैं। टीम को कैसे बढ़ावा देना, हर व्यक्ति को ट्रेन कैसे करना, डेलीगेट कैसे करना, टाइम कैसे मैनेज करना, तो अधिक जानकारी है तो आप नीचे दिए लिंक के ऊपर क्लिक करके फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एक यंग इंडिया बिजनेस क्लब है जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल लोगों को, लोग ज्वाइन होते हैं उनको कोचिंग देते हैं, और जो सक्सेसफुल बिजनेस है, बिजनेसमैन है,
वो भी कोचिंग उसमें करते रहते हैं, उसके रेगुलरली वर्कशॉप्स होते रहते हैं, आप इसमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप कभी भी कॉल करके मुझे आपकी सेवा का मौका दे सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।